आए और खुद इस पर जवाब दें। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ संदीप बोल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से ये पूरी ट्रंप जिस तरीके से बात कह रहे हैं उसके बाद भारत में जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, भारत ने हालांकि स्पष्ट जरूर कर दिया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई थी, और विदेश मंत्रालय, ऐसी भी क्या जानकारी है कि ट्रंप की तरफ से, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि द्विपक्षीय मुद्दा है, केवल भारत और पाकिस्तान ही तय करें? बिल्कुल, देखिए जब ये बयान आया, बयान आने के बाद जो वाशिंगटन जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिलीज आया था, उस रिलीज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और जो अमेरिका के बीच बात हुई है, उसमें किसी भी तरीके से कश्मीर का मुद्दा हो। तो ये बाकायदा ये साफ था कि जब ये सवाल पूछे गए तो ट्रंप के मुंह से, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से इस तरीके की बातें निकली हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी पहले क्लियर किया गया और सदन में खुद जो है विदेश मंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की कोई पेशकश नहीं की गई थी। तो यहां पे मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद होकर अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए आग्रह कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये मसला अभी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो अगर इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि पाकिस्तान जब वहां पे गया तो उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से जो उसकी अर्थव्यवस्था जो चरमरा रखी है उसमें जो है उसको फायदा मिल सके, उसको जो है जो पैसे जो रोके गए थे, फंड जो रोका गया था, उसको जो है वापस बहाल किया जा सके। और अगर बात करें पाकिस्तान के खुश करने की बात, तो पाकिस्तान सिर्फ दो ही चीजों से खुश हो सकता है, या तो उसको वो फंड दे दिया जाए जो कि रोका गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर अमेरिका को की तरफ से कोई कश्मीर पे कोई बयान आ जाए। तो इससे ये भी साफ होता नजर आ रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जिस मंशा से वहां गया था वो पैसे लेने के लिए, जो फंडिंग जो रोकी गई थी वो उसके लिए, जहां तक उम्मीद है जिस तरीके की सिम्टम नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कहा है कि रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ ही जो है व्यापार की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन एक किसी भी तरीके का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या कठोर जो मैसेज नहीं दिया है कि अमेरिका जो है। बिल्कुल संदीप, कुल मिलाकर ये चीज तो स्पष्ट है कि बहुत बुरा फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बार जरा सुन लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा में मांग उठी कि इस पर जवाब प्रधानमंत्री दे, उसके बाद विदेश मंत्री राज्यसभा में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। Today evening, after the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody. अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, कुल मिलाकर कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बोलकर बुरा फंस गए हैं, यहाँ भारत ने साफ इनकार कर दिया, उनके जो अपने हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई ऐसी फिजूल बात नहीं करता है। पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां कि कश्मीर के मुद्दे पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अगर कुछ अगर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता है तो भारत उनके काउंटर अटैक भी करता है, और दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को अलग थलग करता है। अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की जर्जर हो रही है, अमेरिका ने बैन लगा रखा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो अमेरिका की भी अपनी, ट्रंप को भी चुनाव झेलना है जल्दी ही, अफगानिस्तान से उनको अपनी सेनाएं वापस लानी है, ईरान में काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर किया हुआ है, मेक्सिको के पास उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग कर रखी है जिसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान, दोनों को अपनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, और दोनों राष्ट्राध्यक्षों की अपनी मजबूरियाँ हैं। इसलिए ऐसी बात
शायद मुंह से निकल गई है और ऐसी बात कह दी गई है, लेकिन भारत ने इसको इनकार करने में देर नहीं किया है। कल देर उनके बयान के फौरन बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया, आज विदेश मंत्री भी इस पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की थी। तो जाहिर तौर पर यह मामला यहीं खत्म हो जाता है, और जब सरकार सीधे सीधे कह रही है कि प्रधानमंत्री ने किसी बायलैटरल टॉक में या मुलाकात में ऐसी कोई पेशकश नहीं की है, तो यह बात सही है, क्योंकि यह सदन के पटल पर रखी गई है बातें जो रिकॉर्ड में भी जाती है। बिल्कुल अमिताभ, और ये बातें रिकॉर्ड पर जाती है संदीप, इस बात का एहसास भी ट्रंप को होना चाहिए। आप कुछ भी कहीं पर भी बैठकर कुछ भी नहीं बोल देंगे, अगर दो देशों के नेता, इतने बड़े नेता आपस में मिलते हैं, उनके बीच जो बात होती है उसको लेकर आप झूठ बोल सकते हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्या दर्शाता है कि क्या वो कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे? बिल्कुल, देखिए ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, जितने भी बार सीधे तौर पर जो बयानबाजी आई है, बयान आए हैं ट्रंप की तरफ से, बहुत ज़्यादा ऐसे बयान नहीं नज़र आए हैं कि बहुत ज़्यादा एक सधे हुए बयान हो। कहीं ना कहीं वो गलतियां त्रुटियां उनके बयानों में होती ज़रूर हैं, और शायद इस बार भी ऐसा हुआ। अगर व्हाइट हाउस की जो प्रेस रिलीज जो थी दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष के मुलाकात के बाद, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि ये ज़रूर कहा गया था, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके का पोस्टरिंग करने की कोशिश की, हाफिज़ सईद को अरेस्ट किया, उसके बाद बाकी कार्रवाई की, तो उसको लेकर उसमें एक लाइन ज़रूर लिखी थी कि पाकिस्तान ने जो है कार्रवाई की है, लेकिन उसको पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपना हित साधने में के लिए वहां गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बदल करके वापस भेजा है, क्योंकि किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर पाकिस्तान को कि वो क्या उनके जो बंद के फंडिंग है उसको शुरू करने जा रहे हैं या नहीं। हालांकि एक कश्मीर वाला मुद्दा जो है उस पर एक बयान देके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उसका सीधे तौर पर पटाक्षेप हो गया। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की ऐसी पेशकश नहीं हुई थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो वहाँ की जो आने वाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको ध्यान में रखकर भी काफ़ी कुछ कहना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके का बयान जो उनकी तरफ से आया है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे अफगानिस्तान में पिछले 17-18 साल से जो लड़ाई चल रही है उसको बंद करके जो अमेरिका है अपनी सेना को वापस बुलाए, और वो तभी हो सकता है जब पाकिस्तान उसके साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार वो इसी वजह से फंडिंग कर रहा था, क्योंकि उसके सारे रसद और जितना भी सामान साजो सामान जाता था पाकिस्तान के जरिए ही जाता था। और अब चूंकि एक तालिबान टॉक्स जो है वो चल रही हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको एक सक्सेसफुल करना चाहते हैं, शायद यही वजह है कि इस तरीके का बयान जो है पाकिस्तान को खुश करने के लिए दिया गया हो। बिल्कुल संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। डोंट मेक नेशनल इश्यू इनटू पॉलिटिकल इश्यू, प्लीज डोंट मेक नेशनल इश्यू इनटू पॉलिटिकल इश्यू, दिस इज नॉट द वे। You have more confidence in American President than Indian Prime Minister and Foreign Minister. What are we talking? Please sit down. This will not go on record. Please sit down. I urge you all, please sit down in the national interest. This is not good. We are sending a wrong signal.